वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे मेटल कार्बोनिल्स की बात कर रहे थे। देखो, हमारे पास बड़ी लंबी चौड़ी बात चल रही है, बड़ा शानदार सा टॉपिक चल रहा है धात्विक कार्बोनिल, जिसमें से आपके पास एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज इस कड़ी में हम पढ़ रहे हैं धातु और कार्बोनिल बंध की प्रकृति। जो हमारे पास धातु है और कार्बोनिल है, वो किस प्रकार का बंध बनाते हैं, उनकी जो बॉन्डिंग है वो कितनी मजबूत होती है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे धातु और कार्बोनिल बंध की बात कर रहे हैं। आपको पता है धातु है और कार्बोनिल क्या है, लिगेंड है। कार्बोनिल हमारे पास क्या है, लिगेंड है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको पता है जब हमारे पास उपसहसंयोजक बंध बनते हैं, देखो इनके बीच में कौन सा बंध बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजक बनता है, तो आपको पता है क्या होता है, पता है धातु के डी कक्षक, धातु के खाली डी कक्षक, धातु के खाली डी कक्षक कार्बोनिल समूह के भरे हुए, धातु के खाली डी कक्षक कार्बोनिल समूह के भरे हुए कक्षकों के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में यही तो होता है कि एक परमाणु अपने दो इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो यहां पर होता क्या है, जो कार्बोनिल समूह है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन देता है अपने भरे हुए कक्षकों की सहायता से धातु के खाली कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेता है, ओवरलैपिंग कर लेता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास धातु क्या है, इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, धातु और कार्बोनिल आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, धातु और कार्बोनिल समूह आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, अतिव्यापन कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों में प्रत्येक कार्बोनिल समूह धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहां पे क्या बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, ये उपसहसंयोजक बंध बना लिया, किस किस ने, धातु और कार्बोनिल समूह ने उपसहसंयोजक बंध बना लिया। ठीक है, लेकिन देखो यहां पे इसने बंध बना लिया। ठीक है, लेकिन देखो हम 2-3 दिन से कार्बोनिल समूह के बारे में, कार्बोनिल यौगिकों के बारे में इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। हमने EAN पढ़ लिया था, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम पढ़ लिया था, उसके अनुसार हमने ये बता दिया था कि कौन सा यौगिक स्थायी है और कौन सा नहीं है। ठीक है, हमने 18 इलेक्ट्रॉन नियम पढ़ा था, इसके लिए हमने वहां पे भी बता दिया कि कौन सा यौगिक स्थाई होता है कौन सा नहीं होता। लेकिन अब इसके एक बंध को, सिर्फ एक बॉन्ड को देखते हुए लगता है कि ये तो भैया बहुत कमजोर हो गया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्थाई है, लेकिन इसके एक बॉन्ड को देखते हुए लगता है यार ये तो आराम से टूट जाएगा, एक बॉन्ड तो आराम से टूट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला बंध इसकी व्याख्या नहीं करता, ये वाला जो बॉन्ड है धातु और कार्बोनिल समूह के बीच में जो बॉन्ड है, वो कार्बोनिल यौगिकों के स्थायित्व को नहीं बताता, कार्बोनिल यौगिकों के स्थायित्व को नहीं बताता। ठीक है, ये एक बंध है, ये तो दुर्बल सा लग रहा है। ठीक है, लेकिन धातु और कार्बोनिल के बीच में जो बंध होता है ना, वो बहुत ज्यादा प्रबल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा प्रबल होता है, उसकी व्याख्या इसके द्वारा नहीं की जा सकती।
उसकी व्याख्या इनके द्वारा नहीं की जा सकती बच्चा। तो यहां पे होता क्या है, यहां पे होता क्या है, यहां पे एक काम और होता है, ध्यान से सुनना। देखो हमारे पास धातु के भरे हुए कक्षक और होते हैं, ठीक है। पहला जो बॉन्ड है वो तो किसने बनाया, कार्बोनिल समूह के भरे हुए कक्षक, मैंने भरे हुए वो ऐसे दिखा दिया, भरे हुए कक्षक धातु के खाली कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये बंद अत्यधिक दुर्बल सा लग रहा है मुझे, कमजोर लग रहा है, जबकि कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं, बहुत ज्यादा प्रबल बंद बनाते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो दूसरा बंद और बनता है इसके बीच में, धातु और कार्बोनिल के बीच का जो बॉन्ड है उसका जो स्थायित्व है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसके स्थायित्व को समझाने के लिए, उसके स्थायित्व को समझाने के लिए हमने किस चीज को बताया, पश्चय बंधन को बताया, बैक बॉन्डिंग को बताया, ठीक है। अब आप कहेंगे ये पश्चय बंधन क्या है, बैक बॉन्डिंग क्या है, तो मैंने शायद आपको पहले भी बताया है। देखो पहले बॉन्ड में तो क्या हो रहा है कि कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, धातु को दे रहा है, अपने भरे हुए कक्षक के साथ धातु के खाली कक्षकों के साथ मिलकर अतिव्यापन कर रहा है, ठीक है। लेकिन बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, उल्टा काम होता है, यानी कि कार्बोनिल समूह जो लिगेंड है वो अभी तक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, लेकिन बैक बॉन्डिंग में पश्चय बंधन में वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम भी करता है, ठीक है। धातु के कुछ कक्षक जो भरे हुए होते हैं वो कार्बोनिल समूह के खाली कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके बॉन्ड बना लेते हैं, है ना मजेदार बात। जो अब तक इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है भैया, और जो देने का काम कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, यानी कि एक जो समूह है, परमाणु है, वो दोनों के दोनों काम कर रहा है भैया। कितनी शानदार बात हो गई, कितनी मजेदार बात हो गई, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या है, धातु है, ये हमारे पास क्या है, धातु है, मान लीजिए ये क्या है, धातु है, तो और कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह के खाली कक्षक हैं हमारे पास, कार्बोनिल समूह के क्या है, खाली कक्षक हैं, ठीक है, ये कार्बोनिल समूह के खाली कक्षक हैं। तो हमारे पास क्या होता है, देखो आप बुक में देखोगे या नोट्स में देखोगे तो डायग्राम थोड़े अजीब से भी बने होंगे, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे होता क्या है, धातु के जो भरे हुए कक्षक है ना वो कार्बन के खाली कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं, तो ये धातु है, ये कार्बोनिल समूह है, तो ये इन्होंने अतिव्यापन कर लिया, ठीक है। और अतिव्यापन कर लिया तो कौन सा बॉन्ड बना हमारे पास, पाई बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं हम, पाई बॉन्ड बोल रहे हैं, पाई बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि पहला बंद कैसे बना, कार्बोनिल समूह ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए किसको, धातु को। और दूसरे बंद में क्या हुआ, दूसरा बंद क्या हुआ, पश्चय बंधन, उल्टा बंधन हुआ, जिसमें कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह धातु से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पहले दे रहा था और बाद में ले रहा है, ठीक है। तो दोनों तरह के काम हो रहे हैं, एक तो बॉन्डिंग हो रही है और एक बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग हुई, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बंद बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बंद बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर इन दोनों डायग्रामों को अगर आपको एक साथ बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, मैं इनको मिटा देता हूं एक बार, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। देखो हमारे पास धातु का खाली कक्षक और कार्बोनिल समूह का भरा हुआ कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, ठीक है, और धातु के भरे हुए कक्षक, धातु के भरे हुए कक्षक और कार्बन के खाली कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, ठीक है, ये होता है ना। पहले तो देखो ये जो, देखो मैं आपको निशान भी बता देता हूं, ये जो हमारे पास धातु, ये कार्बन का जो कक्षक है, ऑर्बिटल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में, दूसरी बात में, ये जो धातु के भरे हुए कक्षक है ना वो कार्बन के खाली कक्षकों में कर रहा है, ठीक है। पहले तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, लेने का काम कर रहा है धातु, और फिर देने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं,
ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने देखो आगे वाले ऑर्बिटल दिखाए हैं, मैंने ऑक्सीजन का कोई ऑर्बिटल नहीं दिखाया, तो ये मत सोचना मैंने ऑक्सीजन का ऑर्बिटल नहीं दिखाया तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे जहां तक बात करनी थी मैंने वो बता दिया, मुझे आगे कोई बात करनी नहीं है, ठीक है। मैं तो टू द पॉइंट चलने वाले इंसानों में से हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा बकवास नहीं करता, ठीक है। तो धातु के खाली कक्षक लिगैंड के भरे हुए कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं, और धातु के भरे हुए कक्षक लिगैंड के खाली कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं, ठीक है। तो धातु और कार्बोनिल समूह में क्या होता है, ये एक तो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, मैं आपको सिग्मा बॉन्ड दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनता है, पाई बॉन्ड इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो ये सिग्मा है और ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो तभी हमारे पास देखो सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, तभी हमारे पास क्या होता है, ये जो कार्बोनिल समूह है, धातु और कार्बोनिल समूह का बंध है वो बहुत ज्यादा प्रबल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी प्रकृति अच्छी होती है, ठीक है। तो वो किसके आधार पर हम व्याख्या कर रहे हैं, पश्चय बंधन के आधार पर हमने इसकी व्याख्या कर दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे धातु और कार्बोनिल के बीच में कुछ यौगिक बनते हैं मेन, ठीक है। तो वो हमको बात करनी है, जैसे हमें बात करनी है टेट्रा कार्बोनिल निकिल की, ठीक है। कुछ प्रमुख यौगिक है जिनमें से आपके एग्जाम में आते हैं। देखो एग्जाम में वैसे तो आपसे अलग से भी पूछा जाता है, लेकिन देखो आपके सिलेबस के हिसाब से मैं तीन बताता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना तीन, एक तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल, एक आयरन पेंटा कार्बोनिल, और एक हमारे पास हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, ठीक है। ये तीन जो हैं वो हमारे पास मोस्ट हैं, आपके सिलेबस में भी यही है, सिलेबस के हिसाब से यही है, इन तीनों से बाहर कुछ नहीं आता। अगर आपसे कोई यौगिक पूछा जाएगा तो इन तीनों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है, इन तीनों के बारे में पढ़ना है, इन तीनों की व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन तीनों की व्याख्या हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।